गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? देखिए, द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, टूडे आई विल टीच यू सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एंट एंड द सिकाडा। The name of the chapter is The Ant and the Cicada. So let's start, beta. Ant means kya hota hai? Ant means hota hai cheetah, and cicada is a type of a cricket. It's a type of a insect. Insect hota hai, cricket hota hai. Jaise dekho yahan par iski pic bhi di hui hai. Abhi aapko main iski pic dikhati hu. Dekhiye, ant to aapne dekho yahan par ye ant hai. This is ant and this is cicada. Okay? इसको अपन cricket, this is a type of a cricket. अब देखो यहाँ second number page पर इसकी बिल्कुल separate pic दे रखी है, या आपने एक छोटा सा देखा होगा, है ना? इसको बोलते हैं अपन cicada. Okay? देखिए, अब हम start करते हैं the ant and the cicada. Once they are lived a cicada, एक बार एक cicada होता है, एक जगह एक cicada रहता है. Who sang all day long? जो सारा दिन क्या करता था? गाता ही रहता था. Who sang all day long? She sang in the morning. वो morning में भी गाता. And she sang at night. और रात को भी गाता. She was an idle one. बिल्कुल idle बन गया था वो. बिल्कुल lazy बन गया था वो, है ना? बस सारा दिन गाता रहता था और lazy बन गया था वो. It was summer season. When जब किसका सीजन था? समर का मौसम था, समर सीजन था. cicada is a female, मेल नहीं है ये, फीमेल है. It was summer season, समर सीजन था. A group of ants were working hard. At that time, a group of ants means ants का एक ग्रुप था, वो बहुत hard work करता था. They were carrying a lot of grain to their home. वो बहुत सारा क्या लेके आते थे? ग्रेन लेके आते थे अपने घर पर, है ना? ग्रेन मीन्स खाने को, अनाज लोड करके अपने घर पर लेके आते थे. cicada asked them, cicada ने उनसे पूछा, why are you working so hard? तुम इतनी हार्ड वर्किंग क्यों करते हो? दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, वी आर गैदरिंग फूड फॉर द विंटर. हम क्या कर रहे हैं? विंटर के लिए फूड गैदर कर रहे हैं. गैदर मीन्स इकट्ठा करना या कलेक्ट करना. जब लेसन फिनिश हो जाएगा, आफ्टर देन मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग कराऊंगी, है ना बेटा? cicada asked them, why are you working so hard? cicada ने उनसे पूछा कि तुम इतनी हार्ड वर्किंग क्यों कर रहे हो? Then they replied, the ants, the group of ants replied, we are gathering food for the winter. हम क्या कर रहे हैं? विंटर के लिए, सर्दी के मौसम के लिए हम फूड गैदर कर रहे हैं, फूड इकट्ठा कर रहे हैं. ड्यूरिंग द स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होगा, यानी कि जब स्नोफॉल होगा, वी विल इनफ टू ईट, तो हमारे पास खाने को बहुत सब बहुत कुछ हो जाएगा. प्लीज़ हेल्प अस, हमारी हेल्प करो. आंटी ने उनसे कहा, हमारे पास खाने को बहुत हो जाएगा, अब तुम भी हमारी हेल्प करो. देखो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. वंस देयर लिव्ड अ सिकाडा, एक बार एक सिकाडा होता है, हु सेंग ऑल डे लॉन्ग, जो सारा दिन गाता ही रहता है. ऑल डे she गाती ही रहती है. cicada is a female, गाती ही रहती है. and she sang in the morning and she sang at night, रात को भी गाती है, शाम को भी गाती है, मॉर्निंग में भी गाती है. she was an idle one, बिल्कुल lazy हो जाती है वो घर में रहते हुए. it was summer season, it summer का season होता है. a group of ants were working hard. at the time when cicada was, जब सिकेडा क्या कर रहे होते हैं? गा रहे होते हैं. एट द टाइम द सिकेडा वॉज सिंगिंग द सॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. एट द टाइम ए ग्रुप ऑफ आंट्स, ग्रुप ऑफ आंट्स क्या करता है? ग्रुप ऑफ आंट्स वर्किंग हार्ड,
हार्ड वर्क करते हैं एंड देवर कैरिंग अ लॉट ऑफ ग्रेन. क्या लेके आते हैं? बहुत सारा ग्रेन लोड करके लाते हैं टू देयर होम, अपने घर पर. सिकेडा आस्क्ड देम, सिकेडा उनसे कहती है व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो. दे रिप्लाइड वी आर गैदरिंग फूड फॉर द विंटर. वो उनको उत्तर देते हैं, आंसर देती है कि हम क्या कर रहे हैं, विंटर के लिए खाना कलेक्ट कर रहे हैं. ड्यूरिंग द स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होगा मतलब बारिश होगी, किसकी, बारिश में स्नो आएगी, आइस आएगी ना, एंड वी विल हैव इनफ टू ईट, हमारे पास खाने को बहुत सारा होगा. प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हमारी हेल्प करो. नो आई कांट हेल्प यू, नहीं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती. द सिकेडा लाफ, सिकेडा हंसी, एंड दे आर प्लेंटी ऑफ वार्म वेदर लेफ्ट एंड आई एम इन नो हरी. अभी तो बहुत सारा, द प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी मच वार्म वेदर, वार्म वेदर मीन्स गर्म मौसम अभी तो लेफ्ट मीन्स बाकी है, एंड आई एम इन नो हरी, और मैं इतनी हरी में, मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं हूँ. नो आई कांच हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती. द सिकेडा लाफ, सिकेडा उस पर हंसी, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वार्म वेदर, अभी बहुत सारा बचा है. वार्म वेदर मीन्स गर्म मौसम तो अभी बहुत सारा बचा है, एंड आई एम इन नो हरी, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ. ओके बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका रेस्ट पार्ट कराऊंगी, और इसे आप एक बार पढ़ लेना, समझ में नहीं आए तो मुझे बताना आप. ओके बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.